प्रिय मित्रों, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। सचमुच में आज का दिन आशीष का दिन है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल से लिया गया और बाइबल में सैमुएल की किताब है, उसका पहला अध्याय है और उसका 6 और 7 पद हम देखने वाले हैं। प्रिय मित्रों, आइए हम इसे पढ़ते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, हन्ना और पनीना के बारे में, अलकाना की 2 पत्नियां थी और वहां पर हम पिछली वीडियो में देख पाए हैं, लेकिन ये वीडियो इस प्रकार से है, जब अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो आपको ये मैटर समझ में आएगा। इसलिए वचन बताता है 1:6 पहला सैमुएल, परंतु उसकी सोत पनीना इस कार्य से कि यहोवा ने उसकी खोक बंद कर रखी है उसे अत्यंत चिढ़ाकर कूड़ाती रहती थी। परंतु उसकी सोत पनीना, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, कि जब आपके जीवन में 2-2 पत्नियां होंगी तो एक पत्नी होगी, एक पतानी होगी। आप समझे नहीं बात को? परमेश्वर वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से या पत्नियों से प्रेम रखो। एक पत्नी है, एक पतानी है, पता नहीं वो पत्नी है या कुछ और है। यहां मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सोत शब्द कैसे आता है। जब आपके घर में एक से ज्यादा पत्नी होगी, या उसे रखेल बोला जाएगा, या फिर उसे सोत बोला जाएगा, या फिर उसे पत्नी ना कहकर दूसरी पत्नी बोला जाएगा, जिसे पूरा अधिकार नहीं है। इसलिए प्रियो, आप सोचेगा कि अगर एक परिवार में 2 पत्नियां हैं तो दूसरी एक को चिढ़ाने का काम करेगी। और इस प्रकार से लिखा है, उसकी सोत पनिन्ना इस कार्य से उसे को चिढ़ाती है कि यहोवा ने इसकी खोक बंद कर रखी है। वो जानती है कि परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर ने इसकी खोक को बंद कर रखा है, फिर भी वो चिढ़ाती है। याद रखिए मेरे प्रियो, कि अगर परमेश्वर ने कुछ काम किया है तो आप खुद परमेश्वर मत बनिए। अगर परमेश्वर ने किसी को सजा दी है किसी बात के कारण से तो आप क्यों चिढ़ाते हैं? और हन्ना को पनीना चिढ़ाती है यह कहकर कि परमेश्वर ने इसकी खोक को बंद कर रखा है। वचन बता रहा है कि उसकी खोक बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। कुड़ाती रहने का मतलब उसे चिढ़ाती रहती थी, उसका खून सुखाती रहती थी, उसे प्रतिदिन वो दुख देती थी और प्रतिदिन उसके परिवार में झगड़े होते थे। कुड़ाना, चिढ़ाना और ईर्ष्या करना, इस तरीके से दूसरे को परेशान करना, अरे तुझे तो परमेश्वर ने बच्चे दिए, इसे नहीं दिए तो इसे और दुखी करती है। और परमेश्वर क्या बच्चे वाली बहन से प्यार करेगा और जिसमें बच्चे नहीं, क्या उससे प्यार नहीं करेगा? प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर से आप प्यार करके देखिए। और पनीना ना परमेश्वर से प्यार करती है, ना पति से प्यार करती है, बल्कि हन्ना से वो चिढ़ती है और उसे चिढ़ाती है और कुड़कुड़ाती है और कुड़ाने के लिए उसे तैयार करती रहती है। लिखा कि चिढ़ाकर कुड़ाती रहती है, कि कैसे? हर रोज का काम है ये, हर रोज के झगड़े है ये, हर रोज परिवार में परेशानियां खड़ी करने का कारण है ये। अगर खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो प्रियो, तो सोचेगा आपका जीवन साथी एक ही साथी, बाकी सबसे माफी। कभी भी अपनी जिंदगी में किसी और को जगह ना दो, आप अपनी पत्नी को ही जगह दो। वो आपके लिए जीवन साथी है, बाकी को आप लेकर आते तो आपके लिए हाथी बन सकता है, आपकी जिंदगी को परेशान कर सकता है। आपकी पत्नी को, जिसके साथ आपको शादी हुई है, जिसको को परमेश्वर आपके साथ जोड़ा है, उसे चिढ़ाने का काम करेगी, उसे नीचा दिखाने की काम करेगी। प्रियो, अपनी पत्नी में वो सब कुछ आप देख सकते हैं जो दूसरे में आपको दिखता है, जो दूसरी स्त्री और महिला के अंदर आपको दिखता है वो आपकी पत्नी में देख सकते हो। आप अच्छा उसके अंदर देख सकते हो, वो भली स्त्री है, जैसे हम रूथ की कहानी में प्रियो देखते हैं। तो इसलिए यहां लिखा कि यहोवा ने खोक बंद कर रखी थी, पर निन्ना को मौका मिला है हन्ना को चिढ़ाने के लिए, और मौके को कभी भी चूकते नहीं है। प्रतिदिन, प्रति वर्ष, हर दिन, हर रोज, हर समय, हर घड़ी वो उसे चिढ़ाती रहती है। वो प्रार्थना नहीं करती है,
वो अपने बच्चों की केयर नहीं करती है, वो अपने पति के ख्याल नहीं करती है, दान उसे मिल जाता है, बच्चों को भी भेंट मिल जाती है और पति भी सोचते कि सब कुछ ठीक होके रहेगा और ये सब शांत रहेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर क्या होता है प्रियो, आगे लिखा है वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, सात पद बताता है, और जब जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। देखना वो काम क्या करता है, परमेश्वर के पास जाता है, वो दान दिया करता है, दुगना दान देता है हन्ना को और उसके बालकों को, पनिन्ना को और पनिन्ना को भी दान दिया करता है, क्योंकि उसके पास तो कमी नहीं थी, वो खुश भी थी अपने बच्चों में और अपने ही फैमिली में। लेकिन पनिन्ना हन्ना को खुश रहने और खुश देखना नहीं चाहती थी, और हन्ना प्रतिवर्ष जाने के बावजूद भी उसमें कोई बालक नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ वो तो प्रतिवर्ष जाता था उन्हें ले जाकर, वो तो उन्हें ले जाकर कहता था परमेश्वर ने आशीष दे और ये खुश रहे और मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। इसलिए कहता कि वो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। प्रियो आप भी हर संडे हर बार ऐसा ही करते होंगे, दान भेंट सारी बातें करते होंगे, लेकिन आपने कभी अपने मन को बदल कर नहीं देखा। अपने चर्च बदल दिया, अपने लोग बदल दिए, अपने पास्टर बदल दिया, अपने जगह बदल दी, अपने शहर बदल दिया, अपने किराए का मकान बदल दिया, अपने जमीन बेचकर नहीं ले ली, अरे बहुत सी बातें कर ली, अपनी उस पत्नी को छोड़ दिया, तलाक ले लिया, दूसरी शादी कर ली, और इस तरीके से बहुत सी बातें आपकी जिंदगी में चल रही हैं और आप करते जा रहे हैं। क्या कभी आपने अपने आप को बदला, क्या आपने अपने हृदय को बदला जिसके कारण परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। इसलिए लिखा है कि वो भवन को जाती थी हन्ना, जब जब यहो के भवन में जाती थी वो तो ऐसा करता था, और वो हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती थी तब तब पनिन्ना, हन्ना जाती थी पनिन्ना भी जाती थी, तब तब पनिन्ना क्या करती थी, उसको चिढ़ाती थी, देख तेरा बालक नहीं है, तू बांझ है, और इस तरीके का ताना उसे मारा करती थी। क्या ऐसा परिवार खुश होगा? नहीं प्रिय। इसलिए पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती थी, कौन, हन्ना रोती थी और खाना ना खाती। जो व्यक्ति प्रतिदिन कूड़ती हो, जिसको कुड़ाया जाता हो, जिसको चिढ़ाया जाता हो, जो खाना ना खाती हो और जो कहते कि रोती हो, उसकी आंखों का हाल क्या होगा, उसका कौन से नंबर का चश्मा लगा होगा और उसके हृदय का हाल क्या होगा और उसकी परिस्थिति कैसे, किस तरीके से उसकी ज़िंदगी कट रही होगी, क्या आपने कभी सोचा है? पर आप चिढ़ाने में हमेशा लगे हैं, आप बांझ का ताना मारने के लिए हमेशा उन्हें कमज़ोर और अबला नारी समझते हैं, हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, उस आशीष का ख्याल करो और उसके लिए भी प्रार्थना करो जिसके पास बालक नहीं है। पर आप ऐसा नहीं करते, आप चिढ़ाने का काम ज्यादा करते हैं। याद रखना परमेश्वर ने आपको बालक दिए हैं, ना कि आपकी खूबी है। हन्ना पे बालक नहीं हुए तो परमेश्वर ने नहीं दिए और परमेश्वर देगा। इसलिए इस वीडियो से आपको सीखना है प्रियो, आपको ये सोचना है कि अगर आपकी जिंदगी इस तरीके से चल रही है, आप खाना नहीं खाते हैं, आप रोते हैं और आपको बहुत से लोग चिढ़ा रहे हैं, तो याद रखिए आपका जिंदा परमेश्वर आज भी जिंदा है, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आपका परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो बूढ़ा नहीं हुआ है, वो युगानुयुग एक सा है, उसकी करुणा अनंत काल की है, हमेशा वो करना किया करता है। इसलिए हन्ना को चिढ़ाने का काम पनिन्ना करती थी, वो रोती थी और कूड़ती थी, दुखियारी थी, परेशान थी, खाना नहीं खाती थी, खाना ना खाने के कारण शायद वो कमजोर भी थी और रोना रोने के कारण शायद उसकी आंखें धुंधली हो गई हो, और उसका पति से खुश करने की कोशिश करता था, दुगना दान उसे दिया करता था, फिर भी उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी खुशहाली नहीं थी, वो एक चैन की जिंदगी नहीं जी पा रही थी। पर ऐसे परिवारों के हालात बहुत खराब हो जाते हैं जब इस प्रकार की जिंदगी कोई जी रहा हो और कोई उसको जीने ना देना चाहता हो। चाहे फिर आप प्रार्थना कर रहे हो, चाहे आप दान दे रहे हो, चाहे आप चर्च में जाते हो या ना जाते हो, चाहे आप रोज बाइबल पढ़ते हो या बड़े बड़े यूट्यूब पर बड़े बड़े पास्टर को देखते हैं और अलग अलग तरीके से आप प्रार्थना भी करवाते और करते भी होंगे, प्रियो अगर आपके परिवार की परिस्थिति इस प्रकार से है, अगर आपके परिवार में झगड़े की आत्मा काम कर रही है, तो मैं यीशु के नाम में उसे डांटना चाहता हूँ, मैं यीशु के नाम में उसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी से, आपके परिवार की जिंदगी से, आपके पति की जिंदगी से, आपकी पत्नी की जिंदगी से वो चिड़चिड़ाहट की आत्मा अभी इस वक्त यीशु के नाम से निकल जाए। अभी इस वक्त मुझे देखने वाले बहन मेरे भाई, आपके जीवन से वो दुष्ट कार्य चले जाएं जो परिवार को खराब करते हैं, जो अपनी खुशी ढूंढने के लिए दूसरे की पत्नी में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, दिलचस्पी दिखाते हैं, ऐसी गंदी आत्मा यीशु के नाम में चली जाए। मेरे प्रिय बहन,
आपको परमेश्वर आशीष देगा। आप चिढ़ना बंद हो जाइए, आप रोना बंद कर दीजिए, आप खाना खाइए, आनंद कीजिए, और परमेश्वर आपकी सुनने वाला है, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी में आशीष लेकर आए। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, परमेश्वर अनुग्रह कर मेरी बहन पर, मेरे भाई पर, और उनकी जिंदगी से तमाम पाप की आत्मा, गंदगी, झगड़े की आत्मा यीशु के नाम से चले जाए। इन्हें बरकत दे प्रभु, इनके साथ दिनभर अगुवाई कर, और इन्हें इस वर्ष में, इस साल में आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय मित्रों, जय मसीह की, मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नई वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड।